हम अभी सुबह सुबह उठ चुके हैं क्योंकि हमें फजर की नमाज अदा करनी होती है। अब्बू मुझसे पहले फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, तो इनके बाद मैं भी फजर की नमाज अदा करूँगा। और अभी मेरे जानवर इंतजार है बाहर जाने के लिए, घास खाने के लिए। सब तैयार इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें बाहर ले जाओगे और हमें चारा मिलेगा। गए भी देख, गाय का बच्चा भी इंतजार में, गए तो बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रही है। मेरे अब बकरियों को खोल रहे हैं, ये बाहर रहेंगे अपना चारा खाएंगे। और वो एक ठहरी हुई है, ये देखिए किस तरह भाग के जा रहे हैं, इसको मालूम है चारा बाहर पड़ा है। गाय भी घास खा रही है और उनके बच्चे भी उनके साथ घास खा रहे हैं। इधर बकरियां भी घास खा रही हैं, सुबह सुबह भूखी थी। और टोनी इधर चहल पे रहा कि सुबह सुबह वो बाहर बहुत इंजॉय करता है। टोनी टोनी क्या कर रहे हो? अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ इंशाल्लाह। जो आप आज हमने काम करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हम आज क्या करते हैं। और सुबह का आगाज हो गया है, प्यारी सुबह का आगाज हो गया है। सुबह देखिए सब कैसे हैं, सुबह सुबह सब अच्छा लगता है, बहुत प्यार लगता है। सुहेल भी कसी उठाई हुई है जानवरों की गोबर साफ करने के लिए। सुहेल जो है सुबह मेरी भी मदद करवाता है कि देखिए जानवरों का गोबर साफ कर रहा है, क्योंकि फिर ये खराब नीचे अच्छा नहीं लगता, उनको बैठने की जगह खराब हो जाती है। उन्होंने मुर्गियों को सुबह सुबह खोल दिया है क्योंकि अभी इनका दाना खाने का टाइम है। तो अभी ये मुर्गियाँ यहाँ पे दाना खा रही है। अब और भी मुर्गियों को बुला रहे हैं, वो ठहरी हुई है, अभी वो नहीं आ रही, लगता है उनका पेट फुल है। तो सुबह सुबह अभी हमारे फर्स्ट ग्राहक आ गए हैं, ये मेरे कज़न है हमजा और ये नैना, ये दोनों मेरे कज़न है। तो ये देखिए मेरी दुकान है छोटी सी। तो अभी मेरे कज़न हमजा सुबह सुबह अपने लिए केक लेने आए हैं क्योंकि आज इसने आज हमारे स्कूल भी खुल गए हैं, इसलिए हम स्कूल भी जाएंगे। मेरी वाइफ शाइनी का किचन स्टार्ट हो गया है, चूल्हे पे चाय की देगची चढ़ी हुई है और इधर आटा भी गूंद रही है। और हमारी चाय बिल्कुल रेडी है, तो अभी हमारी पराठे बन जाए तो हम अभी अपना नाश्ता करेंगे और फिर हम जाएंगे स्कूल, क्योंकि हमारे आज स्कूल भी खुल गए हैं। सुबह सुबह जब तक चाय ना पिए तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो अब को भी चाय देते हैं। अब वो आपकी चाय आ गई, अब उन्हें अभी चाय टेस्ट कर लिया है। तो अभी अब वो बताएं चाय कैसी बनी हुई है। चाय तो अच्छी है, जब तक चाय ना पियो तो नींद नहीं मिल जाती, ये चाय नींद भगाने का अच्छा तरीका है। और मैं अभी जा रहा हूँ अवैस के साथ अंकल शाहिद का दूध लेने, क्योंकि उनकी अभी चाय बनेगी, वो दूध लेते हैं, जब तक वो दूध ना लें तो उनकी चाय नहीं बनती। अवैस आया हुआ है मुझे बुलाने के लिए, बोलता है मुझे डर लगता है उनके कुत्ते से, मुझे इसके साथ चलो। और इसकी बाइक देखे कितनी अच्छी बनाई हुई है, आज तो साफ की हुई है तुमने। अवैस को जहाँ से दूध देना वो ये वाला घर है, और इस जगह को बोलते कि मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। यहाँ पे हरियाली चेक करें, इस जगह का नाम हम इसको तो हम हमारी जबान में बोलते हैं इसको झलार, बट शायद ये बड़ों को ही मालूमगा इसको झलार क्यों बोलते हैं। ये देखें यहाँ पर दूर दूर तक हरियाली है, और ये एक घर है यहाँ पर, और वो देखें ये सारी हरियाली। अभी अवैस दूध लेके आ गया है, अवैस जल्दी करो घर भी चलना है, मुझे स्कूल भी जाना है। घर पहुंच गया हूँ तो देखा कि अभी मेरे पराठे भी तैयार हैं और तंदूर पे मैंने रोटी लगा लिया कुछ और लग भी रही हैं। हमारा नाश्ता आ गया है चाय और पराठे के साथ, और साथ में बैठा है सुहेल। चलो सुहेल नाश्ता आ गया, शुरू करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ बैठा हुआ है मुजम्मिल, नाश्ता करो। तो अभी मैंने तैयारी कर ली है, तो अभी मैं जाता हूँ स्कूल, तो मेरे भाई मुजम्मिल ने भी तैयारी करा है। मुजम्मिल इधर आओ, ये देखिए इसने भी तैयारी कर लिया, तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल। तो अभी मुजम्मिल ने तैयारी कर ली, अपना बैग उठा लिया, तो मैं स्कूल चले जी। तो फिर चलो अभी हम स्कूल जाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कपास की फसल में और देखता हूँ, मैंने स्प्रे की थी उसने क्या रिजल्ट दिखाया, बीमारी खत्म हुई या नहीं हुई। पहुँच गया हूँ कपास की फसल में, ये देखिए मेरी कपास माशाल्लाह बाहर से बहुत खूबसूरत लग रही है, और देखते हैं बीमारी ख़त्म हुई है या नहीं हुई। बीमारी कीड़े तो अभी लगे हुए हैं थोड़े थोड़े से, और मक्खी भी
मक्खी भी शुक्र है मक्खी भी कम हो गई है। सफ़ेद मक्खी होती है जो इसका रस चूसती है पौधों का, वो भी शुक्र है कम हो गई है। और अभी फूलगोभी भी लग रही है। और आप सब फैमिली यूट्यूब की फैमिली से दुआ करें कि मेरी फसल ठीक हो जाए। और हमारा गांव देखिए, खजूर के दरख्त हैं और बाकी भी पौधे वगैरह हैं। और ये देख कपास कितनी हरी भरी ग्रीनरी हर जगह पे, सब्जा ही सब्जा। ये घर हैं दूर दूर से। और मेरी वाइफ जो है ना कचरा इकट्ठा करे बकरियों का, क्योंकि बहुत कचरा हो गया है और अगर कचरा साफ ना कर कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए सफाई कर रहे हैं आज बकरियों के नीचे से। और ये देखें, ये मेरे अबू भी बकरियां साफ बकरियों की जगह साफ करने में अम्मी की हेल्प कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ बकरियों का चारा काटने के लिए। आज सुहेल मेरे साथ नहीं है, आज मेरी बीवी मेरे साथ जा रही है बकरियों का चारा काटने में, मेरी मदद करेगी। तो गैस हम पहुँच गए हैं के खेत में और मेरी बीवी गाय के लिए घास काट रही है और मैं जो है ना बकरी के लिए घास काटूंगा। शुरू करने लगा हूँ बकरी का चारा काट रहा अभी। मैं चारा काट के घर जा रहा हूँ। चारा काट के मैं घर पहुँच गया हूँ। और ये देखिए मैं बहुत भूखे थे, इंतजार कर रहे थे कब गाय घास आएगा और हम खाएं इसको। और बकरियाँ भी इंतजार कर रही हैं, अभी मैं इनको इसको खोलूँगा गठड़ी को और सबको दूंगा। और मेरे पैरेट इंतजार में है कि कब हमें दाना मिलेगा और हम खाएंगे। भूखे हैं देखिए, और ये टूट पड़े, ये देखिए कैसे भूखे थे, रात खाना नहीं मिला। और मैंने चकोरों को और सुरखाब को भी खुराक दे दिया कि वो भी खाएं। और रैबिट भी चारा खा रहे हैं। अब उमीन भी हमारे घर में आ गए हैं। ये देखिए मेरी अम्मी दूध बॉईल करके फिर उसकी चाय बनाएगी, देने लगी हूँ। ये मैं अपनी फूफो को पहले दे रही हूँ। अम्मी आप भी अपना कप उठा लें। और अभी ये दो कप हैं और इनमें से एक अबू को दूंगी। अबू की भी चाय आ गई है, ले अपनी चाय ले लें। शुक्रिया। आप बाल बनवा कर आ गए हैं? हाँ, बाल भी बनवा के आया हूँ। और शुक्र है चाय की बहुत तलब हो रही थी और मिल गई गर्मा गर्मा चाय। माशाल्लाह काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सुहेल स्कूल से आ गया, कैसा रहा स्कूल का आज का दिन? बहुत अच्छा गुजरा आज का दिन स्कूल में। और मुजम्मिल कहाँ है? वो पता नहीं, वो रहा वो पीछे आ रहा है जी। और मुजम्मिल भी स्कूल से आ गया। मुजम्मिल सुनाओ, आ गए स्कूल से? पढ़ाई की जी सही हुई जी? चलो ठीक है। अभी बच्चे स्कूल से आ गए, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं अपने शहर सिटी में, वहाँ जाके बच्चों के लिए किताबें वगैरह खरीदेंगे और भी जो कुछ खरीदेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम पहुँच गए सड़क पर जो काफ़ी देर से बन रही है। अभी मोटरसाइकिल में फ्यूल ख़त्म हो गया, सामने पेट्रोल पंप है वहाँ से फ्यूल भरवाता हूँ। तो अभी हम फाइनली शॉप पे पहुँच गए, बुक स्टॉल पे। और ये बैग रिशबार सुहेल और मुजम्मिल का सामान लेना है, किताबें वगैरह। और ये हमारे शहर का सबसे बड़ा है बुक स्टॉल, रिशबार सुहेल का सामान, किताबें सामान खरीद लिया है। बिल पे जा रहे हैं, बिल तक हमने सारा सामान ले लिया, अब हम जा रहे हैं। और ये हम आ गए जनरल स्टोर पे, यहाँ से वर्दियाँ खरीदेंगे। और ये सब सामान सुहेल की वर्दी और मुजम्मिल की, हमने सारा सामान खरीद लिया, अब जा रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी शॉप है। नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ता हूँ। माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितनी प्यारी मस्जिद है। हमारी सिटी की बहुत अच्छी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने नमाज पढ़ ली और मैं वापस जा रहा हूँ शॉप पे जहाँ मेरी वाइफ बैठी हुई है सामान लेने के लिए। ये देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत, ऊँचे ऊँचे मीनार है, बहुत ऊँचे ऊँचे मीनार, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो मैं घर के लिए यहाँ से वेजिटेबल ले रहा हूँ, और वो क्योंकि बाइक पे बहुत सारा सामान लदा हुआ है इसलिए मैं नीचे नहीं उतर सकता। मैं आदमी से कहा कि सब्ज़ी लेके आओ, मैं भी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और वो कितने की है? 100 रुपये की। तो अभी मैं सारा सामान लेकर बच्चों का किताबें वगैरह लेके और घर का सारा सामान लेकर घर आ गया हूँ।
तो यहाँ पे अब मेरे सारे बुक्स कापियाँ किताब आ गई हैं, इंक भी साथ है। सुहेल ये आपका सामान है जी, और ये अलीश बाप का है। सामान मुकम्मल है आपका? नहीं, मेरी एक गाइड नहीं है जो वो नहीं मिल रही अभी बच्चा, जब आ जाएगी तो मैं लेके आऊँगा। ये सुहेल की है सब किताबें, ये इंक और ये पेन और ये सब, और ये अलीशबा की है, ये अलीशबा के सैंडल भी हैं। अलीशबा अपने सैंडल दिखाओ कैसे हैं, अच्छे हैं? हाँ, अलीशबा की बहुत पसंद है। बुक्स के साथ आज मेरी यूनिफॉर्म भी मुकम्मल आ गई है, तो कल से मैं फुल तैयार होकर जाऊंगा। और मेरा फेस वॉश भी आ गया, मुजम्मिल भी आ गया, इसकी कापियाँ आ गई हैं और यूनिफॉर्म। मुजम्मिल अच्छी लगी आपको यूनिफॉर्म? जी। तो मैं और मेरे अबू जा रहे हैं रिश्वा की यूनिफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि रिश्वा की यूनिफॉर्म सीखने के लिए दी थी। हम जाते हैं, उठाते हैं, क्योंकि कल रिश्वा को स्कूल में जाना है। अबू अभी असर की नमाज का वजू करने हैं, तो अभी हम पास जा कर लें तो फिर जाते हैं रिश्वा की वर्दी उठाने के लिए। अबू और मैंने नमाज असर की नमाज अदा कर लिया, तो अभी अबू दुआ कर रहे हैं। ये देखिए ये बाग है, तो ये आम का बाग है, ये इस मेन रोड के साथ है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर कोई अब इसके अंदर कितने प्लॉट होंगे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आपको नहीं मालूम? काफ़ी मालूम, काफ़ी वसीर पे फैला हुआ है आम का बाग है, काफ़ी वसीर। ये है कमाल की फसल, ये जब काटते हैं तो ये ऊपर वाला जो चारा है जानवर खाते हैं। इधर से भी गन्ने का खेत है और इधर से भी गन्ने का खेत है, और दरमियान में हमारी ये है रोड जो हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये है भिंडी के खेत, ये उस घर से शुरू हो रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वसी है, जब हम वापसी भी आएंगे तो रुके हमको भिंडी भी दिखाएंगे, लगी हुई है भिंडी अभी। और मेरे अबू आयत को इस बेरी के बाग में भी ले आए थे, भिंडी के खेत में भी ले आए थे। देखिए ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश भिंडी, ये यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे भी लगी हुई है, और ये देखें ताज़ा फ्रेश भिंडी कितनी बड़ी है। मैं अभी भिंडी के खेत के अंदर खड़ा हूँ, ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा वसी है, और इस तरफ सारी भिंडी भिंडी है। देखें बहुत ही ज़्यादा वसी भिंडी का खेत है। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेडी फिंगर। हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रिश्वा की वर्दी अभी अधूरी सिली हुई थी, उन्होंने कहा कि कल पूरी सिल जाएगी तो आके कल ले जाना। अभी रास्ते में ही थे कि मगरिब की जब अजान हो रही है, तभी हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। चलो अंदर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं। अब वो अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, मैंने अबू से पहले नमाज पढ़ ली है, तो मस्जिद चेक करें कितनी प्यारी बनी हुई है। हम अभी घर पहुंच गए हैं, घर पहुंचते हुए हमें काफ़ी रात हो गई है और भूख भी लगी है, तो अभी हम चलते हैं, तो अभी हम डिनर करते हैं। तो अब अमीन भी आए हुए हैं डिनर करने के लिए। आज हमने दोपहर को चाय नहीं पी थी, तो अभी हमारे चाय रात को बन रही है। अब अमीन भी आए हुए हैं, उनको भी चाय बहुत पसंद है, तो अभी हम चाय भी पीते हैं डिनर के बाद। तो अभी हमारे राइस तैयार हो गए हैं कीमे वाले, तो अभी अम्मी सबको देंगे। अब अमीन भी वहाँ पर सो रहे हैं खाने के लिए। अब उमेन भी आज हमारे साथ डिनर कर रहे हैं, ये उनकी प्लेट तैयार हो गई है और अब उमेन को उनके राइस मिल गए हैं। अबू और मुझे भी राइस मिल गए हैं। अबू आ जाए खाएँ। खाते हैं। और ये किसके हैं? ये है मुजम्मिल के। और अचार भी आ गया, अचार के साथ तो और ही मज़ा आएगा। तो अभी टेस्ट करके बताएं कैसा बना। तो अभी मुजम्मिल भी आ गया खाना खाने के लिए अपने राइस। मुजम्मिल अपने राइस शुरू करो। मैंने चाय को सब कप में डाल लिया, तो अभी मैं ये लेके जाता हूँ बाहर, अब उमीन अम्मी और अबू को देता हूँ। सबसे पहले हम देते हैं अब उमीन को चाय। तुम पर भगवान की सुरक्षा। अम्मी आप भी उठा लें अभी, और ये आखिरी कप है अबू का। शुक्र है चाय तो मिली, तरस गया था चाय के लिए मैं। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आज का व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।